Hello my dear friends, I welcome you all to our channel Best Notes Tutorials, and I'm Roshni. We are doing spoken English lessons. So in this lesson we are continuing with idioms and phrases which are used in our day-to-day conversation. All right, so in my last video I have completed till fifth idioms, okay, 1 to 5. So in this video, I'm going to continue with the class and I'll start with idiom number 6. Okay, so the idiom which is there in number 6 is apple of discord. Okay, apple of discord. So apple of discord means root cause of something. Right, root cause of something. You can say the property of father became root cause of fight between the brothers. Okay. Another sentence can be LOC, the line of control is the apple of discord for the army. Okay, now how it originated, now how this phrase or idiom came into existence, ye jo idiom hai wo kahan se aaya, kahan se shuruaat hua aur hum log aaj tak isko use kar rahe hain. So when we go back to Greek mythology, ओके, ग्रीक मिथोलॉजी के अकॉर्डिंगली एक गॉडेस थी जिनका नाम था एरिस. ओके, ई आर आई एस, एरिस. सो इनको एक शादी में बुलाया नहीं गया था. शी वॉज नॉट इन्वाइटेड इन द वेडिंग एंड शी वॉज सो एंग्री, शी बिकेम सो मच एंग्री एंड शी वॉन्टेड टू टेक रिवेंज ऑफ दिस एक्ट विच वॉज डन बाय द पार्टी ऑर्गेनाइजर. ओके, वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइजर. सो She went to the party and her motive was to spoil it. उनका motive क्या था, उसको spoil करना, वो शादी को spoil करना, right? तो उन्होंने क्या किया, She went with one golden apple. वो apple में लिखा था for the fairest. Okay? जो सबसे गोरा है, जो सबसे सुंदर है, वो golden apple उसका है. Okay? तो वहां पे तीन और ladies थी, उन तीनों के बीच में फाइट होने लगा कि ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ. तो इसकी वजह से पार्टी पूरी स्पॉइल हो गई क्योंकि वहां पे झगड़ा शुरू हो गया, क्वारल स्टार्टेड इन दैट पार्टी. ओके, तो उसके बाद में ये वहीं पे नहीं थमा, इसके लिए बड़ा सा एक फाइट भी हुआ था, बैटल भी हुआ था. ठीक है, तो ये जो फ्रेज है वो वहां से ओरिजिनेट हुआ, ग्रीक मिथोलॉजी से. ओके, और आज तक ये रेलिवेंट है, कोई भी किसी भी झगड़ा का वजह है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है जिसका कारण हमको दिखाना है तो हम लोग बोलेंगे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. ओके, सो आई होप द इडियम इज क्लियर टू यू ऑल. लेट्स मूव टू अनदर वन. सेवेंथ इडियम इज एन एक्स टू ग्राइंड. ओके, दिस इडियम हैज कनेक्शन विद सिक्स्थ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. Benjamin Franklin was his name. Okay, one day Benjamin Franklin was there, okay, in his home, and one person came to him and he started praising the grindstone which he had. Okay, Benjamin Franklin jo ki sixth president the America ke, unke paas ek vyakti aaye aur unhone kaha ki aapka jo grindstone hai jisme ki hum log churi aur sickle कोई भी इक्विपमेंट हो उसको शार्प करते हैं, ठीक है, उसको धारदार बनाते हैं. ओके, तो उनके पास वो स्टोन था जिसकी वो व्यक्ति तारीफ करने लगे और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, उनको बहुत तारीफ सुन के खुशी हुई और वही खुशी के एक्साइटमेंट के चलते उन्होंने उनका एक्स लिया और शार्प करने लगे. ओके, अपना ग्राइंड स्टोन में वो जो व्यक्ति आए थे उनके पास जो कि उनकी बड़ी बड़ाई कर रहे थे, उनका एक्स शार्प करके वो रेडी कर दिया उन्होंने. ठीक है, ये एक्स जो है उसको शार्प करना बहुत ही मुश्किल का काम है क्योंकि वो उसका जो विड्थ है वो बहुत मोटा होता है. ओके, और उसको शार्प करना बहुत टाइम टेकिंग है और मेहनत बहुत लगता है. तो वो आदमी वहां पे बैठा हुआ था, बैठे बैठे बेंजामिन फ्रैंकलिन से काम करवा लिया. ओके, तो वो जब रेडी हुआ एक्स, उन्होंने वो एक्स को लेके आराम से अपना घर चले गए. ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि वो जो व्यक्ति है उसने
प्रेज किया, उनकी बड़ी बड़ाई की और अपना काम निकाल के चले गए। तो एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब यही होता है कि अपना काम निकालना और निकाल के निकल जाना, ठीक है। टू सेटिस्फाई आवर सेल्फिश मोटिव, ओके, टू सेटिस्फाई आवर सेल्फिश मोटिव इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इडियम, ओके। नाउ हाउ यू कैन यूज दिस इन द सेंटेंस, द एग्जाम्पल इज गिवन हियर। द एग्जाम्पल गोज लाइक दिस, शी वॉज वेरी पोलाइट विथ मी, आई गेस शी हैड एन एक्स टू ग्राइंड बाय मी, ओके। दिस इज अनदर सेंटेंस, द एग्जाम्पल विच इज शोइंग इन द स्क्रीन, यू कैन यूज दैट वन एज वेल, ओके। नाउ लेट्स मूव टू अनदर नंबर एट idiom इज Damocles' sword. Okay, Damocles was one of the courtiers in One King. All right, the king's name is not mentioned anywhere, so I can just tell you about Damocles only. Damocles was a courtier. Okay, Hindi में बोले तो एक दरबारी था, और वो दरबारी बहुत ही सोचता था कि जो king है, the king is so much fortunate to have power, authority. Okay. And he is having a lavish life, okay, thinking that one day he uttered his feelings to the king. उन्होंने king को बोला कि राजा आपके तो बहुत अच्छे दिन हैं, आपके पास power है, आपके पास authority है, आप अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं, आपको कोई गम नहीं है, कोई problem ही नहीं है, ठीक है। तब राजा ने कहा कि चलो अगर आपको ऐसा लगता है तो जगह बदल लेते हैं, आप मेरी जगह राजा बन जाओ, मैं आपकी जगह एक दरबारी बन जाता हूँ। तो खुशी खुशी Damocles जो है वो रेडी हो गया, Damocles वॉज रेडी टू एक्सचेंज द प्लेस, ओके। नाउ बिफोर दे एक्सचेंज द प्लेस, व्हाट किंग डिड, किंग ब्रॉट अ ह्यूज हेवी स्वॉर्ड, ओके, एंड ही टाइड दैट पर्टिकुलर स्वॉर्ड विथ अ हेयर, ओके, पोनी हेयर ऑफ अ हॉर्स, जो घोड़ा का बाल है, ओके, घोड़ा का पूंछ में जो बाल होता है, वो एक बाल से उन्होंने वो हेवी स्वॉर्ड को बांधा, ओके, ही टाइड दैट स्वॉर्ड एंड हंग इट जस्ट अबव द थ्रोन, वो थ्रोन जो है, जो राजगद्दी है, उसके ठीक ऊपर में उन्होंने लटकाया, और वहां पे Damocles को बैठने के लिए बोला, क्योंकि अब तो वो राजा बन गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद में जो राजा थे वो दरबारी बन गए। उसके बाद में Damocles को हमेशा डर ये रहता था कि कहीं वो तलवार गिर के उनके सर पे न गिर जाए, ओके। तो इसका मतलब यही है कि जो भी पोजीशन है उसके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, ओके। हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़ा होता है कि मेरा काम बहुत मेहनत वाला है, तुम्हारा नहीं है, तुम घर में बैठ के क्या करती हो, और वाइफ सोचती है कि तुम ऑफिस में बैठ के क्या करते हो, बैठ के तुमको कंप्यूटर में ही तो किटपिट करना है ना। इसकी वजह से बहुत लड़ाई होती रहती है। तो इस पे हिंदी मूवीज़ भी बहुत सारे बने हैं जहाँ पे कि हस्बैंड एंड वाइफ ने अपना जो प्लेस है वो एक्सचेंज किया, और पता चला कि दोनों का ही काम फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और दोनों का ही काम बहुत ही यू नो हेक्टिक है, जिसमें टाइम लगता है, जिसमें पेशेंस की ज़रूरत है, ऑलराइट। और जो पावर एंड पोजीशन जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होते हैं, ओके। तो ये जो Damocles ने एक्सचेंज किया था प्लेस, वो यही दर्शाने के लिए था ये idiom, कि हर पोजीशन, हर पोस्ट जो है उस पे कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती ही हैं, चाहे ग्रुप डी स्टाफ हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो, सभी के ऊपर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उसको निर्वाह करने के लिए उन लोगों को जद्दोजहद तो करना ही पड़ता है, कोई भी पीसफुल लाइफ नहीं लीड करता। तो इसका मतलब यही है, कॉन्स्टेंट थ्रेट होना, हमेशा डर रहना, ओके। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, द एग्जाम अप्रोचिंग नियर डे बाई डे इज लाइक अ Damocles' sword। जब एग्ज़ाम पास आता है तो ये वही सिचुएशन के साथ कंपेयर किया जा सकता है जबकि Damocles के ऊपर स्वॉर्ड रखा गया था, ओके। इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी क्लियर कर सकते हैं, इन ओल्ड एज डेथ इज अ Damocles' sword फॉर द पीपल, ओके। अवर नाइन्थ idiom इज Achilles' heel,
Okay, Achilles heel is very interesting story, and this is also from Greek mythology. Okay, Achilles is a name of a great warrior. Okay, very very powerful warrior. All right, और इनको warrior बनाने के लिए किसका हाथ था? उनकी mother का. Okay, mother चाहती थी कि उनका जो son है वो बहुत ही powerful हो, और उनको बताया गया था कि उनको अपने बेटे को पावरफुल बनाने के होली वाटर उसमें उनको डिप करना था. एक्यूलस जब छोटे थे तब उनके मदर को डिप करना था अपने बेबी एक्यूलस को पानी के अंदर, ठीक है. लेकिन जब पानी के अंदर उनकी मदर ने एक्यूलस को डुबोया उनको पावरफुल बनाने के लिए, उस वक्त उनको लगा कि अगर मैं छोड़ दूंगी अपने बच्चे को तो वो डूब के मर सकता है. इसलिए मदर ने क्या किया था कि उनको हील से, ओके हील मतलब जो पैर का जो हील है, एंड पॉइंट है, ठीक है, वहां पे पकड़ रखा था ताकि बेबी जो है वो डूब ना जाए पानी में, ठीक है. हील जो है, हील में पानी नहीं लग पाया था, जिसकी वजह से जो पूरा शरीर है एक्यूलस का वो स्ट्रांग हो गया. ओके, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो वाटर पूरा बॉडी में लगा था वो वाटर काम किया, लेकिन उनके हील जो है ओके वो रह गया था, वो वल्नरेबल रहा, वो वीक पॉइंट रह गया, ठीक है. और जिसकी वजह से जब एक्यूलस बड़े हुए और फाइट करने के लिए गए तो उनको शरीर में कहीं पे भी कोई चोट लगती थी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था. ऐसे कोई उनको मार भी नहीं सकता था, किसी भी बॉडी में कुछ भी नहीं होता था, स्वॉर्ड लगे या फिर कोई भी वेपन से उनको शरीर में कोई हिट करे उनको कोई दर्द नहीं होता था. लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उनके हील्स में एरो लगा, जिसकी वजह से उनका डेथ भी हो गया था. ओके, तो इसका मतलब यही है कि किसी भी इंसान का वीक पॉइंट, ओके हर इंसान का वीक पॉइंट होता ही है. तो हम लोग बोल सकते हैं सो एंड सो इज माय एक्यूलस हील. जैसे मैं कह सकती हूँ कि करेक्ट हिंदी बोलना, ओके टू स्पीक करेक्ट हिंदी इज माय एक्यूलस हील. ओके, मुझे हिंदी ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना नहीं आता, जिसकी वजह से मैं इसको मानती हूँ कि ये मेरा एक्यूलस हील है, मेरा वीक पॉइंट है. ओके, तो ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं. या फिर मैं दूसरा एग्जांपल भी आपको दे दी. आई वॉन्ट टू लूज माई वेट बट जलेबीज आर माई एक्यूलस हील. ओके, मैं वेट लूज करना चाहती हूँ लेकिन जब भी मैं जलेबी देखती हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता, ये बहुत वीक पॉइंट है मेरा, मुझे खाने का मन करता है और जो मेरा वेट लूज करने का प्लान है वो धराशाही रह जाता है. ओके, तो एक्यूलस हील का मतलब ये है. आई होप इट्स क्लियर. लेट्स मूव टू अनदर. आवर नेक्स्ट इडियम इज बेकर्स डजन. सो बेकर्स डजन यूजुअली एक दर्जन में कितना होता है? 12 पीसेस ऑफ समथिंग. बनाना हो तो 12 पीसेस, अगर कोई और चीज हो तब भी 12 पीस होता है, लेकिन बेकर्स डजन में 12 की जगह 13 होते हैं. कोई भी चीज हो 13, 1, 3, 13, ठीक है. ऐसा क्यों मैं आपको बताती हूँ. एंशियंट इजिप्ट में जबकि वहां पे स्कैर्सिटी ऑफ फूड था तो इट वॉज ब्रेड विच वॉज प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, ठीक है. ब्रेड ही ज्यादातर प्रेवलेंट था वहां पे, क्योंकि बिकॉज ऑफ रिवोल्ट, रेवोल्यूशन, बैटल्स, जो फार्मर्स थे वो एग्रीकल्चर में इंगेज ज्यादा नहीं हो पाते थे और इंडस्ट्रीज भी बंद रहती थी जिससे कि कुछ बना सकें. तो ये बेकरी ही था जो कि वहां पे ज्यादा प्रचलित था, ओके प्रेवलेंट था. तो जो ब्रेड है वो तौल के देना पड़ता था बेकर्स को, और जो ब्रेड है वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो गया था, जिसकी वजह से जो ब्रेड थोड़ा सा भी ज्यादा चला जाए ये नहीं चाहते थे बेकर्स लोग. इसकी वजह से एंशियंट इजिप्ट में क्या हुआ कि एक स्ट्रिक्ट रूल पास हुआ, अगर बेकर्स ने थोड़ा सा कम दिया या फिर कस्टमर्स को चीट करने की कोशिश की तो उनको स्ट्रिक्ट लॉ के तहत पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है. उनको किसी के हाथ काट देते थे, किसी के फिजिकल टॉर्चर ज्यादा होता था उन लोगों को, ठीक है. इसलिए बेकर्स लोग डरने लगे और उन्होंने क्या किया, 12 के जगह 13 ब्रेड देने लग गए ताकि ज्यादा हो कम नहीं हो, राइट.
और इसकी वजह से बेकर्स डजन केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब है ज्यादा दे देना कम नहीं होना। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स कैन बी सीन व्हेन अ केज मेंट फॉर 4 to 5 चिकन्स इज फिल्ड बेकर्स डजन। डियर फ्रेंड्स, आई होप दीज phrases and idioms are helping you all. I'll continue with next 5 in my next video. Till then, please practice the things that we have learned in our last videos. Thank you everyone. Have a happy learning.